हेलो एवरीवन, दिस इज कर्तिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोस हीलिंग टच। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ रिस्ट कॉम्प्लेक्स। और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है स्टूडेंट्स को, तो मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई करना। और अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो उससे पहले आपको लिगामेंट्स के बारे में थोड़ा थरो होना ज़रूरी है, जो मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो के अंदर बताए थे। तो जो भी लिगामेंट्स होते हैं रिस्ट कॉम्प्लेक्स के वो आपको पता होना ज़रूरी है। और जो भी मेरी पिछली वाली वीडियोस है आप उन्हें ज़रूर चेकआउट किया करो, मैं लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसके अंदर सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारी रेडियस है, ये अल्ना है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो अल्ना है इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू रेडियस। तो ये कौन सा वेरिएंस हुआ, अल्ना का पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, कौन सा वेरिएंस हुआ? आप फटाफट मुझे आंसर्स ये कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे। अब इसके अंदर ये वाली जो रो है ये प्रॉक्सिमल रो है कार्पल्स की, और ये वाली जो है ये डिस्टल रो है कार्पल्स की। जब भी हमें कोई रिस्ट का फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट करना होता है, जैसे सपोज करो मुझे रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट करना है, तो जो मेरी रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स है वो हेल्प करेगी रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए। बट यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है कि जो मेरी मसल्स है वो डिस्टल कार्पल बोन्स को तो अटैच होती है, उससे अटैच होती है, उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करती है, रिस्ट एक्सटेंड करने में हेल्प करती है। बट जो हमारी मसल्स होती है वो प्रॉक्सिमल रो के ऊपर फंक्शन नहीं करती, यानी प्रॉक्सिमल जो कार्पल रो है उसको एक्सटेंड करवाने में हेल्प नहीं करती है। तो अब जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो प्रॉक्सिमल रो कैसे काम करेगी, यानी कैसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट में जाएगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके लिगामेंट्स जो होते हैं, ये जो कार्पल बोन्स होती है आपस में इंटर ओसियस लिगामेंट्स से अटैच होती है, और साथ साथ में डिस्टल और ये जो हमारे प्रॉक्सिमल सेगमेंट्स हैं इनके साथ भी लिगामेंट्स से कनेक्टेड होती है। और इसी वजह से, इन पैसिव फोर्सेस की वजह से, जो हमारी प्रॉक्सिमल कार्पल रो है वो बेसिकली अपना जो मूवमेंट है फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट है वो परफॉर्म करती है। अब ये कैसे होता है, हम जब इसकी और ज़्यादा हम डिटेल के अंदर जाएंगे, जब मैं आपको मूवमेंट्स एक्सप्लेन करूँगी, अल्नार डेविएशन, रेडियल डेविएशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे ये लिगामेंट्स टाइम टू टाइम टॉट हो जाते हैं, जिस वजह से जो हमारी प्रॉक्सिमल कार्पल रो है वो भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो मूवमेंट है वो परफॉर्म कर पाती है। बट आपको अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हमारी जो मस्क्यूलर एक्शन है वो बेसिकली डिस्टल कार्पल रो के ऊपर तो होता है, उसको तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन में लेकर जाता है, बट हमारी जो प्रॉक्सिमल कार्पल रो होती है वो सारी की सारा अपना जो डिपेंडेंट होती है पैसिव फोर्सेस के ऊपर, यानी कि लिगामेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है अपने मूवमेंट के लिए। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखो तो यहाँ पर एक तीन सेगमेंट्स बन रहे हैं। जो फर्स्ट सेगमेंट है वो है हमारी रेडियस, और जो हमारा TFCC होता है यानी कि ट्रायंगुलर फिब्रोकार्टिलेज जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एक सेगमेंट इसका बन रहा है। अब दूसरा सेगमेंट हमारी जो ये प्रॉक्सिमल कार्पल रो है इसका बन रहा है, ये दूसरा सेगमेंट हो गया। और ये जो हो गया ये थर्ड सेगमेंट हो गया जो कि हमारा बन रहा है डिस्टल कार्पल रो से, तो ये हो गया हमारा थर्ड सेगमेंट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर तीन सेगमेंट बन रहे हैं, जिसके अंदर जो हमारा सेंटर के अंदर, मिडल के अंदर कौन सा वाला है, हमारा प्रॉक्सिमल कार्पल रो, और इसको हम इंटरकेलिएटेड सेगमेंट भी बोलते हैं। इंटरकेलिएटेड का मतलब भी यही होता है कि इंसर्टेड इन बिटवीन द एलिमेंट्स। और वो दोनों कौन कौन से एलिमेंट है जिनके बीच में ये इंसर्टेड हुआ हुआ है, रेडियस और उसका TFCC ट्रायंगुलर फिब्रोकार्टिलेज, और दूसरा डिस्टल कार्पल रो, और इस बीच वाले जो मिडल वाला सेगमेंट है इसको हम इंटरकेलिएटेड सेगमेंट भी बोलते हैं। अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी एक्सियल लोड लगता है, यानी कि मैं अगर ऐसे अपना जो रिस्ट है वो बहुत ज़ोर से अगर प्रेस कर रही हूँ, यानी कि डिस्टली और प्रॉक्सिमली भी एक एक्सियल लोड अगर इसके ऊपर लगेगा, तो जो हमारा मिडिल वाला सेगमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। यानी कि अगर ये दोनों फ्लेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो हमारा जो मिडिल वाला सेगमेंट होगा वो एक्सटेंशन के अंदर चला जाएगा। अगर मैं इस डायग्राम से आपको समझाऊँ कि ये जैसे अगर डिस्टल कार्पल रो हो गया, ये हमारा प्रॉक्सिमल कार्पल रो हो गया यानी कि इंटरकैलेटेड सेगमेंट, और ये हमारा रेडियस और अल्ना हो गई, तो इसके अंदर अगर हम एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो आप देख सकते हो, अगर मैं ऊपर से और नीचे से फोर्स लगाऊँ तो जो सेंटर वाला पोर्शन है वो
अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है और जो ये दोनों सेगमेंट्स है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो इसके जो चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और इस वजह से जो इंटरकेलेटेड सेगमेंट है वो कोलैप्स होने का डर रहता है। अगर आप एक बार वापस से इस डायग्राम को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं कंप्रेसिव फोर्स लगाऊं दोनों तरफ से तो आप देख सकते हो कि जो मिडल वाला पोर्शन है वो कोई दूसरी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, और ये दोनों जो पोर्शंस है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। तो ये चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली तीन सेगमेंट्स हैं और बीच में हमारी जो है वो प्रॉक्सिमल कार्पल रो है, और इस प्रॉक्सिमल कार्पल रो के अंदर भी बेसिकली हमारा जो स्कैफॉइड बोन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाती है। तो इस कोलैप्स को रोकने के लिए यहाँ पर लिगामेंट्स का रोल आता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो लिगामेंट्स होते हैं जो स्कैफॉइड को ल्यूनेट के साथ अटैच करके रखते हैं, जो इंटरोसियस लिगामेंट्स होते हैं स्कैफो ल्यूनो इंटरोसियस लिगामेंट, और एक ल्यूनेट को ट्राइक्विट्रल से जोड़ के रखता है लिगामेंट इंटरोसियस लिगामेंट ल्यूनो ट्राइक्विट्रल इंटरोसियस लिगामेंट्स। तो ये लिगामेंट्स बेसिकली आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, तो इस वजह से इसके जो कोलैप्स होने के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कोलैप्स होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। और भी लिगामेंट्स का रोल आएगा इसके अंदर, फंक्शंस के अंदर भी, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको जो लिगामेंट्स होते हैं वो आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए। अब इस डिस्टल कार्पल रो के अंदर ये वाली जो बोन है बेसिकली जो सेंटर में है ये है कैपिटेट, और कैपिटेट को हम की स्टोन बोलते हैं। की स्टोन क्यों बोलते हैं, यानी कि इसी कार्पल बोन के ऊपर हम बेसिकली एक्सिस को मान के चलते हैं कि यहाँ से हमारी जो एक्सिस है वो जा रही है और इसके ऊपर हमारे जो मूवमेंट्स है सारे फ्लेक्शन एक्सटेंशन और अल्नार और रेडियल डिविशन ये परफॉर्म हो रहे हैं। हम कैपिटेट को एक की स्टोन की तरह लेते हैं जहाँ से एक्सिस जो है वो पास हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करना है तो जो मेरी एक्सिस है वो बेसिकली कैपिटेट से पास हो रही है, जैसे कोरोनल एक्सिस, और वहाँ पे मेरा जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है मूवमेंट परफॉर्म हो रहा है। अगर मुझे अल्नार डेविएशन और रेडियल डेविएशन करना है तो मेरी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो है बेसिकली वो कैपिटेट बोन से पास हो रही है और मैं रेडियल और अल्नार डेविएशन परफॉर्म कर रही हूँ। तो जो कैपिटेट होता है वो की स्टोन कहलाता है जहाँ से एक्सिस जो होती है मोशन की वो पास होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम कोई भी एक्सिस को हम ड्रॉ करना चाहते हैं जिधर से मूवमेंट परफॉर्म हो रहा है तो एक पर्टिकुलर उसके लिए पॉइंट लेना ज़रूरी होता है। हमने हर एक मूवमेंट्स के अंदर देखा है कि कहाँ पे एक्सिस जो हो रही है पास हो रही है, जहाँ से मूवमेंट जो होता है हम देख सकते हैं कि ये वाला मूवमेंट परफॉर्म हो रहा है, तो इसके अंदर हमने कैपिटेट को एज ए की स्टोन लिया है। अब हम आते हैं सबसे मेन पॉइंट के ऊपर कि कैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन अल्नार डेविएशन और रेडियल डेविएशन परफॉर्म होता है इसके अंदर। तो कुछ रिसर्चर्स ऐसा बोलते हैं कि जो प्रॉक्सिमल कार्पल रो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट परफॉर्म करने वाली बोन है वो है स्कैफॉइड बोन। तो स्कैफॉइड जो है वो सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट है वो परफॉर्म करती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट कैसे परफॉर्म होता है। तो इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को तीन पोजीशंस याद रखने की ज़रूरत है कि यानी कि जब मेरा रिस्ट सबसे ज़्यादा फ्लेक्स्ड पोजीशन के अंदर था तब उसके अंदर क्या मूवमेंट हो रहे थे, जब वो न्यूट्रल पोजीशन के ऊपर आया तब इसके अंदर क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, और जब ये 45 डिग्री के एंगल के ऊपर आया तब इसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मुझे रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करना है तो जैसे मैंने सपोज करो कि मैं रिस्ट फ्लेक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ, तो जब हमारा पूरा कम्प्लीटली फ्लेक्स्ड होता है हमारा रिस्ट तो हमारे जो कार्पल बोन्स होते हैं सारे इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, यानी कि वो टॉट नहीं होते, वो सब जो कार्पल बोन्स होते हैं वो फ्रीली ऐसे इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। तो इस टाइम पे जैसे ही अगर मुझे रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करना है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स होती है वो प्रॉक्सिमल कार्पल रो के ऊपर अटैच नहीं होती, उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, वो डिस्टल जो कार्पल की रो है उसके ऊपर मूवमेंट परफॉर्म करती है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दी थी। तो जैसे ही अगर मुझे रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करना है तो मेरी जो एक्सटेंसर मसल्स होती है वो मेरी मेटाकार्पल्स को, मेरी डिस्टल कार्पल को स्टार्ट करती है, उनका सबसे पहले मूवमेंट स्टार्ट करती है, वो ग्लाइडिंग स्टार्ट होती है पोस्टीरियरली। तो इनकी जो ग्लाइड होगी वो ऐसे स्टार्ट होगी, और ये जो मेरी डिस्टल कार्पल रो है ये बेसिकली हमारा जो इस टाइम पे जैसे हम एक्सटेंशन की तरफ स्टार्ट करते हैं मूवमेंट तो जो डिस्टल कार्पल रो होती है वो ग्लाइड करती है प्रॉक्सिमल कार्पल रो के ऊपर, क्योंकि जैसे ही हमारा मूवमेंट स्टार्ट होता है उस टाइम पे प्रॉक्सिमल कार्पल रो के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, सबसे पहले मूवमेंट होता है हमारी मेटाकार्पल्स के अंदर और हमारी डिस्टल कार्पल बोन्स के अंदर। तो इस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो डिस्टल कार्पल रो होगी वो ग्लाइड कर रही होगी प्रॉक्सिमल कार्पल रो
के ऊपर पोस्टीरियरली, तो ये मूवमेंट हो रहा होगा। तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे हमारा मूवमेंट और डिस्टल कार्पल रो मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाएगी फिक्स्ड प्रॉक्सिमल कार्पल रो के ऊपर, और जैसे ही हम न्यूट्रल के ऊपर आएंगे, अब जैसे ही हमारा न्यूट्रल पोजिशन पाएगा यानी कि हमारा जो थर्ड मेटाकार्पल है वो हमारे फोरआर्म के लाइन में आ गया है, तो जब भी हम न्यूट्रल पोजीशन के अंदर आएगी तब क्या होगा, एक हमारा लिगामेंट होता है जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, जो कि कैपिटेट और स्कैफोइड्स के साथ में अटैच होता है, रेडियो स्कैफो कैपिटेट, तो ये वाला जो लिगामेंट होगा वो टॉट हो जाएगा, यानी कि वो अब क्या होगा, वो इस स्कैफोइड को भी पकड़ लेगा और इसको भी मूवमेंट में ले लेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर स्कैफोइड जो बोन होता है वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट परफॉर्म करता है, तो प्रॉक्सिमल रो के अंदर सबसे पहले जो स्कैफोइड ही होगा जो अपना मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा। तो जैसे ही हम न्यूट्रल पोजीशन के अंदर आते हैं तो ये जो लिगामेंट होता है वो टॉट हो जाता है, अब क्या करता है ये कैपिटेट, ये जो डिस्टल कार्पल रो होती है वो साथ साथ में जो स्कैफोइड बोन होती है उसको भी अपने साथ में ग्रैब कर लेती है कि अब तू भी चल मूवमेंट परफॉर्म कर। तो इसके अंदर सबसे पहले न्यूट्रल पोजीशन के अंदर अब क्या होगा, ये जो लिगामेंट है वो टॉट हो जाएगा, स्कैफोइड जो है वो भी मूवमेंट करने लगेगा, ये भी पोस्टीरियर की तरफ जाने लगेगा फिक्स्ड ल्यूनेट और ट्राइक्विट्रल के ऊपर, क्योंकि अभी तक इनका मूवमेंट इनिशिएट नहीं हुआ है, तो अब ये सारी की सारी जो बोन है बेसिकली हमारा जो ल्यूनेट है और जो ट्राइक्विट्रल है ये जो फिक्स्ड है अभी भी, ये दोनों सेगमेंट अभी भी फिक्स्ड है और जो स्कैफोइड है इनके ऊपर मूवमेंट अपना कर रहा है। न्यूट्रल पोजिशन से जैसे ही हम 45 डिग्री के एंगल के ऊपर आएंगे अब क्या होगा, कौन से लिगामेंट्स टॉट होंगे, मैंने जैसा कि आप लोगों को अपने ये इंटरोसियस लिगामेंट्स बताए थे जो कि स्कैफोइड और ल्यूनेट के बीच में है और ल्यूनेट और ट्राइक्विट्रल के बीच में, तो अब ये जो इंटरोसियस लिगामेंट्स है ये टाइट हो जाएंगे, ये टॉट हो जाएंगे, तो अब जैसे ये टॉट होंगे तो क्या होगा, स्कैफोइड अब ल्यूनेट और ट्राइक्विट्रल इन दोनों को भी पकड़ लेगा कि अब तुम भी चलो मेरे साथ, ठीक है। तो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर क्या होंगे कि ये लिगामेंट्स भी टॉट हो जाएंगे, तो अब ये भी साथ साथ में एक्सटेंशन की तरफ मूवमेंट परफॉर्म करने लगेंगे, तो अब ये सारा जो मूवमेंट हो रहा है बेसिकली हमारे रिस्ट और TFCC के ऊपर, ये जो है अब ये फिक्स्ड एक्सिस है हमारी रेडियस और TFCC, तो इसके ऊपर अब ये सारा के सारा जो मूवमेंट है एंड में ये परफॉर्म हो रहा है। तो एक बार मैं वापस से फटाफट रीकैप कर लेती हूँ कि मैंने आप लोगों को क्या समझाया, तो शुरुआत के अंदर जब मुझे एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करना है, जब मेरी रिस्ट फुली फ्लेक्स्ड पोजिशन के ऊपर है, तो सबसे पहले जो मेरी एक्सटेंसर मसल्स है वो बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करेगी, हमारे जो मेटाकार्पल्स है, हमारे जो डिस्टल कार्पल रो है वो सबसे पहले मूवमेंट परफॉर्म करने लगेंगे, फिर जैसे न्यूट्रल पोजीशन आएगा तो उसके अंदर क्या होगा, हमारा जो स्कैफो कैपिटेट लिगामेंट है वो टॉट हो जाएगा और वो स्कैफोइड को अपने साथ में लेके चलेगा मूवमेंट के लिए, और जैसे ही हमारा 45 डिग्री एंगल आएगा तब क्या होगा, हमारे जो इंटरोसियस लिगामेंट्स है जो ल्यूनेट और ट्राइक्विट्रल के साथ अटैच है वो भी टॉट हो जाएंगे, और अब ल्यूनेट और वो ट्राइक्विट्रल भी साथ में मूवमेंट परफॉर्म करने लगेगा, तो 45 डिग्री के एंगल पे जो सारे के सारे जो लिगामेंट्स है हमारी बोन्स जो होती है वो क्लोज्ड पैक पोजीशन के अंदर आ जाती है, तो जैसे ही हमारी जो रिस्ट होती है वो कम्प्लीटली एक्सटेंडेड पोजीशन के अंदर चली जाती है, तो हमारे जो पालमार वाले लिगामेंट्स होते हैं वो टॉट हो जाते हैं और हमारे जो डॉर्सल वाले लिगामेंट्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो लैक्स हो जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था मेरे पिछली वीडियो के अंदर दो टाइप के लिगामेंट्स होते हैं, पालमार लिगामेंट और डॉर्सल लिगामेंट, तो जब भी मैं पूरी कम्प्लीटली एक्सटेंडेड पोजीशन के अंदर अपना रिस्ट रखूंगी तो मेरे जो पालमार वाले लिगामेंट होंगे वो तो टॉट हो जाएंगे और जो मेरे डॉर्सल वाले लिगामेंट्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, लैक्स हो जाएंगे, और ये क्लोज पैक पोजीशन भी कहलाती है, यानी कि इस पोजीशन के अंदर अगर मैं अल्नार डेविएशन और रेडियल डेविएशन मूवमेंट परफॉर्म करूंगी तो इसकी रेंज जो होगी वो बहुत ही कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ के जो लिगामेंट्स होते हैं वो टॉट हो जाते हैं और जो बोन्स होते हैं वो भी आपस में जुड़ी हुई होती है टाइटली, तो इस वजह से मूवमेंट इतना देखने को नहीं मिलता। और अगर मुझे फ्लेक्शन मूवमेंट परफॉर्म करना है कम्प्लीटली रिस्ट एक्सटेंडेड पोजिशन से, तो अब ये जो भी सारे मूवमेंट्स थे वो रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि अगर मुझे फुली एक्सटेंडेड से फ्लेक्शन में जाना है तो सबसे पहले 45 डिग्री तक आते आते जो हमारा ल्यूनेट बोन और ट्राइक्विट्रल बोन है वो फ्री हो जाएंगे, इनके जो लिगामेंट्स है वो लैक्स हो जाएंगे वापस से और ये अपना मूवमेंट करके फ्री हो जाएंगे 45 डिग्री के एंगल तक, और फिर जैसे मैं न्यूट्रल पोजीशन तक आऊंगी तो अब क्या होगा, जो स्कैफोइड था वो अपना मूवमेंट करके फ्री हो जाएगा, उसका जो लिगामेंट है वो वापस से लैक्स हो जाएगा। न्यूट्रल पोजीशन से मैं वापस से कम्प्लीटली फ्लेक्स्ड पोजीशन पे आऊंगी तो मेरे जो दूसरे जो डिस्टल कार्पल रो और मेटाकार्पल्स थे वो जो अपना मूवमेंट परफॉर्म कर रहे थे वो मूवमेंट अपना परफॉर्म करते रहेंगे, तो
ऐसे जो मोमेंट्स है वो सारे रिवर्स हो जाएंगे अगर मुझे कम्प्लीटली एक्सटेंडेड पोजिशन से फ्लेक्स्ड पोजिशन पे जाना है। जब हमारी रिस्ट कम्प्लीटली फ्लेक्स्ड पोजिशन के अंदर होती है तो इस टाइम पे क्या होता है, बेसिकली हमारे जो डॉर्सल लिगामेंट्स होता है वो टॉट हो जाते हैं और हमारे जो पाल्मर लिगामेंट्स होता है वो बेसिकली लैक्स हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अल्नार डेविएशन की और रेडियल डेविएशन की। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियल डेविएशन की। रेडियल डेविएशन का मतलब है कि जब मेरा रिस्ट ऐसे मूव कर रहा है, और अल्नार डेविएशन का मतलब है जब मेरा रिस्ट ऐसे मूव कर रहा है। तो इसके अंदर जब रेडियल डेविएशन मूवमेंट परफॉर्म हो रहा होता है तो इसके अंदर क्या होता है, तो हमारी जो डिस्टल रो होती है और जो प्रॉक्सिमल रो होती है उन दोनों के बीच में अपोजिट मूवमेंट होता है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बोली थी कि जो प्रॉक्सिमल रो होती है वो बेसिकली अपोजिट मूवमेंट परफॉर्म करने के इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इन दोनों सेगमेंट्स के, और इसी वजह से ये कोलैप्स ना हो जाए, इस वजह से इस अपोजिट मूवमेंट की वजह से कोलैप्स ना हो जाए, इस वजह से जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं इनको बेसिकली पकड़ के रखते हैं। तो रेडियल डेविएशन और अल्नार डेविएशन के अंदर ये देखा जाता है कि जब रेडियल डेविएशन जैसे मूवमेंट परफॉर्म हो रहा है तो मेरी जो डिस्टल कार्पल की रो है वो तो उसी मूवमेंट के अंदर परफॉर्म करेगी अपना मूवमेंट, लेकिन जो प्रॉक्सिमल कार्पल रो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाएगी। और प्रॉक्सिमल रो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाने के साथ साथ में फ्लेक्शन मूवमेंट भी साथ में परफॉर्म करती है, यानी कि जब भी मेरा रेडियल डेविएशन मूवमेंट परफॉर्म होगा तो डिस्टल कार्पल रो तो उसी डायरेक्शन के अंदर जाएगी, लेकिन प्रॉक्सिमल कार्पल रो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी, और इसके अंदर ये भी देखने को मिलता है कि ये फ्लेक्शन की तरफ भी जाती है, और ऐसा ही अपोजिट हो जाता है अल्नार डेविएशन के अंदर। अल्नार डेविएशन के अंदर भी डिस्टल जो कार्पल रो है उनका तो उसी तरफ मूवमेंट होगा, लेकिन जो प्रॉक्सिमल कार्पल रो है उनका अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो जाएगा, और ये एक्सटेंशन की तरफ भी देखने को मिलता है कि एक्सटेंशन की तरफ भी अपना थोड़ा सा मूवमेंट परफॉर्म करती है। जो अल्नार डेविएशन और रेडियल डेविएशन है बेसिकली सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जब हमारी जो रिस्ट होगी वो न्यूट्रल पोजीशन के ऊपर रहेगी, यानी कि ना ही ज़्यादा एक्सटेंडेड है ना ही फ्लेक्स्ड है। जब न्यूट्रल पोजीशन की होगी तो इसकी रेंज सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्सटेंडेड पोजीशन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लोज पैक पोजीशन होती है तो ऑलरेडी जो बोन्स है लिगामेंट्स ऑलरेडी टॉट है तो वो अलाउ नहीं करते मूवमेंट, और जब फ्लेक्शन पोजीशन के अंदर होती है तब हमारी जो कार्पल बोन्स होती है वो बेसिकली ऐसे बिखरी हुई होती है, तो इस वजह से भी जो हमारा मूवमेंट है वो परफॉर्म नहीं हो पाता, रेंज जो है वो पूरी कंप्लीट नहीं आती। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ जाओ मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने बायोमैकेनिक्स के नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप भी उधर जाके मुझे DM करो और आप भी ले सकते हो। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। आप जब भी मुझे कमेंट्स देते हैं कि आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आ रही है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो आप लोगों को समझा रही हूँ, जो अपना टाइम इसके अंदर दे रही हूँ वो सही जगह पे जा रहा है, आप लोगों को जो चीज़ है वो समझ में आ रही है। तो प्लीज़ आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिख दिया करो, अगर आपको कोई चीज़ें समझ में आ जाती है मेरे लेक्चर्स के थ्रू तो उनको देख के मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों को जो चीज़ है वो समझाने में मदद कर पा रही हूँ। और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।